बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके घर में कोई शुभ कोई मंगल कार्य निश्चित रूप से हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अविवाहितों का विवाह भी इस समय तय हो सकता है, इस समय हो सकता है। संपत्ति और पारिवारिक मामलों में इस सप्ताह में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, ये संभावना फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रही है। धन की स्थिति इस सप्ताह में आपके लिए अच्छी है, पैसे को लेकर के कहीं कोई समस्या नहीं है। तो पूरा सप्ताह सिंह वालों के लिए बहुत अच्छा है, पारिवारिक मामला अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है और धन की स्थिति भी आपकी कुल मिला के ठीक रहने वाली है। ध्यान आपको रखना है इस सप्ताह में गाड़ी चलाने का, ड्राइविंग के मामले में इस सप्ताह में सावधानी रखिएगा। इस सप्ताह वाहन चलाने का बहुत ध्यान रखिएगा, बेवजह की दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, इसमें सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा। पूरे सप्ताह अगर आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, पूरे सप्ताह भगवान सूर्य को जल अर्पित करके प्रार्थना करें तो ये सप्ताह आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी, ये सप्ताह शुरू से आपके लिए व्यस्तता दिखा रहा है। काम की अधिकता रहेगी आपके साथ और काम के साथ साथ आपकी छोटी यात्रा भी इस सप्ताह में हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि सप्ताह में आप कोई संपत्ति खरीदेंगे या बेचेंगे और हो सकता है कि आप स्थान परिवर्तन करें, आपका चेंज ऑफ प्लेस हो, यह संभावना भी कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह में बन रही है। धन की जो स्थिति है वो कुल मिलाकर इस सप्ताह में आपके लिए ठीक दिखाई दे रही है, धन का मामला आपके लिए बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है। दिक्कत कहां है? देखिए, बाकी चीजें ठीक हैं, थोड़ी मेहनत ज्यादा जरूर है लेकिन आपको इस सप्ताह में फायदे भी हो रहे हैं। दिक्कत केवल संतान पक्ष में है, संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताएं हो सकती हैं, संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है जिसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। पूरे सप्ताह अगर आप खाने पीने की वस्तुओं का दान करें तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा।